अब एक नई कैटेगरी स्टार्ट हो गई है एक नए करियर में, जैसे कि कहते हैं कि आई एम अ यूट्यूबर। सो जो ये टर्म है यूट्यूब, क्या आप सबको पता है ये यूट्यूब टर्म क्या है? गाइज़ वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो यार यूट्यूब काम कैसे करता है, तो आज की वीडियो में हम सिर्फ यही बात करने वाले हैं कि हाउ डज यूट्यूब वर्क्स, और जो कुछ चीज़ें मिथ होती हैं लोगों के दिमाग में उस चीज़ को भी आज थोड़ा सा क्लेरिफाई कर देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में यार हम सिर्फ बात करेंगे यूट्यूब के बारे में, यूट्यूब कैसे काम करता है, उसके एल्गोरिथम्स क्या क्या हैं, यूट्यूब में जो हमारे व्यूज़ आते हैं वो कैसे होते हैं, जो नए बिगनर्स हैं जैसे मैं हूँ हम सब ये सब चीज़ें स्किप कर देते हैं। तो अपने गूगल अकाउंट से साइन इन करके आप यूट्यूब बना सकते हो। बट कभी आपने ये चीज़ ध्यान दी है कि मतलब कई लोग होते हैं वो कहते हैं यार हमें व्यूज़ नहीं आ रहे, हमें हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। मैंने जब यूट्यूब चैनल बनाया था तो आपको मतलब यही होता है कि यार हम कैसे अपने सब्सक्राइबर बढ़ाएं, अपने दोस्तों को बोलें, फैमिली फ्रेंड्स को बोलें, आप करते करते कितने यार 40-50 लोगों को करवा सकते हो, ठीक है 100 लोगों को भी करवा सकते हो, बट उसके बाद क्या? रियल पिक्चर यार यहीं पर आती है कि जब हमारे 100 सब्सक्राइबर हो जाएं या जितने भी हमारे रिलेटिव्स हैं सबको अगर हम बोल के भी हम अगर अपने सब्सक्राइबर काउंट करवा लेते हैं, फिर भी एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक आने में जो मज़ा होता है वो अलग ही होता है। तो गाइज़ ये क्वेश्चन आता है कि पहले तो मैं बता देता हूँ यूट्यूब है क्या। यूट्यूब तो वैसे सब अपनी वीडियोस शेयर करते ही हो आप, तो क्या आपको पता है यूट्यूब एक अमेरिकन ऑनलाइन एक मतलब वेबसाइट स्टार्ट हुई थी 2005 में। तो उस टाइम से लेके अब तक ये यूट्यूब गूगल का ही है। आप अगर कभी अपना एक यूट्यूब चैनल बनाओ और उसमें आप देखोगे साइड में आपको एडवर्टीजमेंट्स आती है, नीचे एडवर्टीजमेंट्स आती है, तो ये जो भी एड्स होते हैं ये सारे आप देखोगे, कभी इसको अनटिक करोगे या कुछ भी इसके ऊपर करोगे, रिपोर्ट करोगे या स्पैम करोगे इसको कि यार मेरे को नहीं चाहिए, तो देखोगे आपकी उसमें लिखा हुआ आता है कि गूगल एड्स। तो ये जो यूट्यूब वेबसाइट है ये बेसिकली गूगल की ही वेबसाइट है। तो यूट्यूब स्टार्ट हुआ था सैन ब्रूनो कैलिफोर्निया से फरवरी 2005 में, और नवंबर 2006 में इसको गूगल ने इसको परचेज कर लिया था। अब चलते हैं यार आगे अपनी वीडियो की तरफ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसके कुछ एल्गोरिदम्स हैं जिससे ये यूट्यूब काम करता है और आपकी वीडियोस इससे शेयर होगी। नाउ हाउ यूट्यूब वर्क्स, यूट्यूब कुछ एल्गोरिदम्स के ऊपर काम करेगा, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल उसके चलते हैं व्यूज़, सब्सक्राइबर काउंट्स, देन आपका वॉच टाइम। ये थ्री मेन पैरामीटर्स हैं जहाँ पे यूट्यूब की एल्गोरिदम्स चेक की जाती हैं कि आपके व्यूज़ कितने हैं, आपके सब्सक्राइबर कितने हैं और आपका वॉच टाइम कितना जा रहा है, कि जो भी आपके व्यूज़ हैं या वॉच टाइम है और जो सब्सक्राइबर है ये कैसे जा रहा है। फिर इसके ऊपर आगे आप अगर बात करते हैं तो आपके लाइक्स कितने आ रहे हैं यूट्यूब पे, आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं क्या वो आपका कंटेंट वॉच कर भी रहे हैं। तो जनरली क्या होता है यार, हम चैनल बना लेते हैं अपना और फिर बेसिकली होता क्या है कि लोग कहते हैं कि यार हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो मैं आपका कर दूंगा, आप मेरा सब्सक्राइब कर दो मैं आपका कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है प्रॉब्लम यार, सब्सक्राइबर तो आपके काफ़ी अच्छे आ जाते हैं, 1000 आपके सब्सक्राइबर आ जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, बट मेन प्रॉब्लम क्या आती है यार कि आपको वॉच टाइम नहीं मिलता। तो यार वो वॉच टाइम के लिए ना आपको बेसिकली अपने जो सब्सक्राइबर हैं यार वो आपको बढ़ाने ही पड़ेंगे, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से। तो वो कैसे बढ़ाएं उस पर चलिए आगे बात करते हैं। तो यार जो मेन जो एजेंडा आता है कि आपके वॉच टाइम और व्यूज़ कैसे बढ़ना है यहाँ पे आता है। पहला जो मोटिव रहेगा यार, आपको एक तो अच्छा कंटेंट बनाना पड़ेगा, एक अच्छा थंबनेल बनाना पड़ेगा जो कि बहुत अट्रैक्टिव हो, ठीक है, और जिससे आपको ये लगे कि हाँ यार अगर मैंने ये जो मेरा जो थंबनेल है वो मेरी वीडियो को डिस्क्राइब कर रहा है एक शॉर्ट उसमें ही, और बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, ये नहीं कि यार बहुत डल सा है और मतलब आपके सब्सक्राइबर उससे आए, जो भी आपके जो आपकी चैनल में विज़िट कर रहे हैं वो लोग उसको देखें। मैं बता रहा हूँ कि यार आपकी वीडियोस ही ऐसी होंगी जो कि आपके ऑर्गेनिक ट्रैफिक को लेके आ सकती हैं। तो आपकी वीडियोस में आपने काम कहाँ कहाँ पे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ आपको ये करनी है कि यार आपको अपना एक जो भी आप वीडियो बना रही हो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो आजकल आपको पता है कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, सारे के सारे आजकल डिजिटल क्रिएटर हो चुके हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बना के यूट्यूब में डाल ही रहा है। यूट्यूब एक फ्री प्लेटफॉर्म है तो सब इसको पूरे पोटेंशियल से यूज़ करते हैं, बट कई लोगों का आपको रीच नहीं पहुंच पाती है। रीच
जो सबसे बड़ा एक टर्म होता है। तो यार आपको जो आप चैनल बना रहे हो, आपको सबसे पहले यही करना है कि जो आप कंटेंट दे रहे हो वो आपकी ऑडियंस को पहुंच रहा हो, ये चीज़ आपने सबसे पहले देखनी है। तो आपको पता ही है जब आप YouTube चलाते हो, चैनल बनाते हो, तो उसमें एक YouTube का एक स्टूडियो होता है, ठीक है। हम उस स्टूडियो में जाते हैं, वहाँ पे डैशबोर्ड होता है और भी बहुत सारे होते हैं कॉलम, आप देख ही रहे हो। ये देखो मैं अपने चैनल का आपको एक बार दिखा देता हूँ कि ये साइड में आपको दिख रहा है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको सारी चीज़ें दिखेंगी, डैशबोर्ड दिखेगा आपको, सारी चीज़ें दिखेंगी। वहाँ पे एक कॉलम है एनालिटिक्स। अब आपने क्या करना है, एनालिटिक्स में जाओ, ठीक है। वहाँ पे आपने देखना है कि आपकी कितनी ओवरव्यू में, आप देखो कितने व्यूज़ हो रहे हैं, कितने वॉच टाइम और कितने सब्सक्राइबर हो रहे हैं। देन उसके नेक्स्ट आता है ऊपर टॉप कॉलम पे रीच। तो जब आप वहाँ पे रीच पे क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे एक उसी के नीचे लिखा होता है इम्प्रेशंस। तो बेसिकली जो भी आप वीडियो बना रहे हो उसकी रीच कितनी है, वो कितनी ऑडियंस को आपको दिख रहा है, तो ये एक सबसे मेन पैरामीटर होता है। वीडियो को सजेस्ट करेगा कि नहीं करेगा, आगे नए सब्सक्राइबर कैसे मिलेंगे, वो इसी रीच की वजह से ही मिलेंगे आपको नए सब्सक्राइबर, की आपका जो कंटेंट है वो कितना वैलिड है, उसमें कैसे कैसे हैशटैग यूज़ किए गए हैं, कैसी कैसी चीज़ें आप उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हो। कुछ ना कुछ अपनी वीडियो का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालो वहाँ पे कि आपकी वीडियो किस चीज़ के बारे में, उसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं, आप वो कुछ कीवर्ड्स सेलेक्ट करो, कुछ ढूंढो उसको, जो गूगल ट्रेंड्स में आप ढूंढ सकते हो कीवर्ड्स होते हैं, वो आप कीवर्ड्स यूज़ करो और उनको हैशटैग के साथ अपने डिस्क्रिप्शन के साथ जॉइंट करके आप अच्छा सा डिस्क्रिप्शन बनाओ। तो हम बात कर रहे थे एल्गोरिदम की, बात कर रहे थे तो एल्गोरिदम में और भी आपकी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आपका जो कंटेंट आपने बनाया है क्या वो नए व्यूवर्स को आएगा। तो आपको यूनिक व्यूवर्स से आपको अपने सब्सक्रिप्शन मांगने हैं। तो यार एक मेन चीज़ ये होती है कि जब भी आप वीडियो कर रहे हो तो यार हमेशा अपने सब्सक्राइबर को बोलो कि अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करो, और आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो जो भी आपने आपको डिस्प्ले बताना है कि कैसे करना है सब्सक्राइब, तो उनको बताओ कि यार लाल बटन आता है सब्सक्राइब का, आप वहाँ पे क्लिक करो, और एक बेल आइकन आता है, बेल आइकन को क्लिक करो। आपको बोलना है कि यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और वो सब्सक्राइब तभी करेंगे गाइस अगर आपका कंटेंट कुछ वैलिड है, उनके कुछ काम आ रहा है, इट इज़ यूजफुल फॉर देम, तभी आपके इस चैनल को सब्सक्रिप्शन मिलेगा। इस स्क्रीनशॉट में आप देखो एक राइट हैंड साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है 77% और समथिंग, ये चेंज होता रहता है, तो यहाँ पे सजेशन दिखाता है। तो ये सजेशन क्या चीज़ है, ये सजेशन वही चीज़ है जो मैं आपको बता रहा था कि जब आपकी जो कंटेंट की जो क्वालिटी होगी, जो आपका जो भी आप वीडियो बना रहे हो, जो थंबनेल से लेके आपके जो आपने टाइटल यूज़ किया है, उसमें जो कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैटर करके, आपके लाइक्स कितने हैं, डिसलाइक क्या हैं, कितने कमेंट कर रहे हैं, ऑडियंस का एंगेजमेंट कितना है, तो यूट्यूब इसको रिकमेंड करता है। अब YouTube इसको रिकमेंड कैसे करेगा, रिकमेंड करेगा इन्हीं सब पैरामीटर को देखकर। तो वहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि मेरा जो YouTube कंटेंट जो है सजेशन में डालता है वो 77%, कभी ये 85% हो जाता है। तो अगर मैं इसको अपनी वीडियोस को फ्रिक्वेंटली नहीं डालूंगा तो ये मेरा इंप्रेशन भी कम हो जाते हैं, मेरे सजेशन का जो परसेंटेज है वो भी कम हो जाता है। तो यार यही सब चीज़ें होती हैं, आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। अपने एनालिटिक्स में जाओ, वहाँ पे आप सर्च करो और देखो कि आपको क्या होता है। मैंने अपने एक लास्ट दिसंबर का मैं दिखा देता हूँ, एक मैंने ना प्रैंक शूट किया था, तो वो आई बटन में भी आप देख सकते हो, वो मैं यहाँ पे आई बटन में आपको शो कर जाएगा। तो वो उस प्रैंक पे मैंने अपने डैड के ऊपर प्रैंक किया था, और वहाँ पे मैंने एक प्रैंक का कीवर्ड यूज़ किया था। तो यू विल बी शॉक्ड नोइंग दैट कि उस प्रैंक की वजह से ही कम से कम एक दिन में ही 10,000 से ज़्यादा का रीच आया, जहाँ पे कि सिर्फ मैंने जो प्रैंक जो मैंने देखा था गूगल ट्रेंड्स में, तो प्रैंक का एक कीवर्ड्स रहते हैं कि आप कौन कौन सा ट्रेंडिंग चल रहा है, कौन कौन सा क्या चल रहा है। तो यूट्यूब में ना बेसिकली आज की डेट में अगर सर्च करोगे तो प्रैंक्स ही प्रैंक्स है, तो इनके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। तो ये वीडियो जो भी होगी इसके बाद प्रैंक्स के ऊपर मैंने बनानी एक वीडियो, वो मैं बाद में बनाऊंगा। तो यार अभी के लिए तो हम यही बता रहा हूँ मैं आपको एक एग्जांपल की तरह कि यार प्रैंक्स का आजकल बहुत चल रहा था, तो मैंने सिर्फ एक प्रैंक डाल के ऐसी मतलब घर में काफ़ी बोर हो रहे थे, मैंने डाल दिया, तो वहाँ पे मेरे को रीच मेरे चैनल में बहुत अच्छी आई। तो ओनली ऑन दिसंबर मेरा जो चैनल की जो रीच गई वो 45,000 तक गई रीच, सिर्फ उसी टाइम पर, और उससे पहले जो रीच जा रही थी वो 1K 500 200 ऐसी रीच जा रही थी। तो
मुझे उससे ही पता चला कि यार मेन जो हमारे जो सब्सक्रिप्शन का जो मेन फंडा होता है वो सारा का सारा हमारी रीच से होता है, हमारे जो व्यूज़ का फंडा होता है वो सारे सारे हमारे इसी का ही है कि यार आप कैसे आप एक तो कंटेंट बना रहे हो और उसमें कीवर्ड्स कौन से यूज़ कर रहे हो, आपकी रीच कितनी हो रही है। तो यार यही सब चीज़ें होंगी, आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी और इसी के बेस में यार आपकी जो यूट्यूब जो आपकी वीडियोस को है रिकमेंड करेगा आगे, सजेस्ट करेगा आगे। तो वहाँ पे आप देख सकते हो, मैं स्क्रीन में दिखा देता हूँ आपको कि ये देखो स्क्रीन में आप देख ही सकते हो कि मेरी जो वीडियोस है वो यूट्यूब रिकमेंड करता है, वहाँ से मेरे को व्यूज़ भी आते हैं। नो डाउट थोड़े कम आएंगे यार, अभी शुरुआत में कम आएंगे, बट जैसे जैसे आप और ज़्यादा वीडियोज़ डालते रहोगे वैसे वैसे आपको व्यूज़ आते रहेंगे। तो बात मैं कर रहा था सजेशंस और रिकमेंडेशन की जो कि यूट्यूब करता है। तो एक्चुअली मैं आपकी वीडियोज़ कहाँ शो करती है, तो इसके बारे में भी जो होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि अभी मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें बता दूँगा तो ये बहुत ज़्यादा क्लमजी हो जाएगा और मैं वीडियोज़ को थोड़ी थोड़ी शॉर्ट रखूँगा। मेरे पुराने व्लॉग्स मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब लॉन्ग कर रखे हैं, तो इसके बारे में भी है, मैं आपको एक मतलब आपको एक आगे जाके वीडियो बता दूंगा कि कैसे आप कितने टाइम की आपको वीडियो रखनी चाहिए, क्यों रखनी चाहिए, क्या रखनी चाहिए। तो ये शॉर्ट वीडियो होगी आगे, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बता दूंगा या नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए यार इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है, आपको लगता है कि ये यूज़फुल है, आपके काम आएगा, तो प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब कर देना। और क्योंकि यार मैं आपको ऐसे ही ना कुछ अमेजिंग टिप्स भी बताता रहूँगा कि कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आपको पता ही है मैं भी अपनी एक जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यार यहीं से ही शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो जब आ ही गई है, रिलीज़ कर ही रहा हूँ, तो यार आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, और ये नया साल स्टार्ट हो गया है, 2021 हो चुका है, और आई नो कि मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया है 1 जनवरी का, तो यार उसके लिए सॉरी, क्योंकि आपको पता ही है मैं पार्ट टाइम भी कुछ ना कुछ काम कर रहा हूँ। अगर आपको वो वीडियो चेकआउट करनी है तो वो आप एंड ऑफ स्क्रीन में देख सकते हो, तो वहाँ पे वो आ जाएगी, तो उसको भी देख लेना अगर आपको नहीं पता है कि मैं कैसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता हूँ और कैसे वहाँ से अर्निंग करता हूँ। तो गाइज़ इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में जो कि आपको मिली जाएगी आगे जाके, तो बहुत अमेजिंग होगी यार, स्टे ट्यून रहना, और मैं उसमें भी आपको कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताऊंगा। हमारा YouTube कैसे इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर बताऊंगा, रिकमेंडेशन और सजेशन, ये इन दोनों से हमको क्या फ़ायदा होता है। तो वो शॉर्ट वीडियो होगी, 4-5 मिनट की होगी, आप वो ज़रूर देखना और उसको बिल्कुल स्किप मत करना। तो यार मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी यू, बाय, गुड बाय।